ठंड में और तकलीफ में आप सब लोग आए, एक माँ के हृदय के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। अब और कोई दिन मिल नहीं रहा था, तो इसी दिन आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी और आप लोग इतने प्रेम से सब लोग यहाँ आए। सबका कहना था कि एयरपोर्ट पे माँ हम तो बिल्कुल आपको देख भी नहीं पाए और मैं भी आपको नहीं देख पाए, इसलिए बेहतर है आप लोग आज यहाँ आए हैं सब लोग। और दिल्ली वालों का जो उत्साह है वो कमाल का, ऐसा ही उत्साह सब जगह हो तो ये भारतवर्ष एक सहयोग का महाद्वार बन जाएगा। ये एक समय ऐसा कहना चाहिए जिसे घोर कलयुग कहते हैं। इस घोर कलयुग की एक विशेषता ये है कि मनुष्य बहुत जल्दी भ्रांति में आ जाता, उसको सारासार विवेक नहीं रह जाता, और इस भ्रांति के चक्कर में वो न जाने कहाँ कहाँ भटक जाता। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग कैसे कैसे गलत लोगों के पीछे भाग रहे हैं और गलत गलत धारणाएं अपना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि ये घोर कलयुग, इस कलयुग की विशेषता ये है कि मनुष्य धर्म का पथ छोड़ करके अधर्म के ओर आसानी से चला जाता है और उसमें उसे कोई हिचक नहीं होती, वो परेशान नहीं होता और वो वैसे कर्म करते ही रहता है और उसमें एक तरह की उद्दामता अपने अंदर ले करके उस चीज़ को वो सोचता है कि वो बड़ा सत्कर्म कर रहा है। इतना भयंकर दावानल जैसे चारों तरफ से लगा हुआ दिखाई देता है, उसके बीच आप सहयोगी खड़े हुए हैं। इस कलयुग के बारे में अनेक वर्णन शास्त्रों में है, पर उसमें ये कहा जाता है कि नल जो कि दमयंती के पति थे, उनके हाथ एक दिन कली लग गए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तेरा सर्वनाश करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी पत्नी से मेरा बिछो किया। इस पर कली ने कहा कि तुम मेरा महात्म्य जानो, मेरा जो महात्म्य है उसे समझ, उस महात्म्य में अगर तुम समझो कि मुझे मार डालना है तो मार डालो, मैं खत्म हो जाऊँगा। उनका तुम्हारा क्या महात्म्य है, तो उन्होंने ये कहा कि इसी कलयुग जब लोग कली के भ्रांति के चक्कर में आ जाएंगे उसी वक्त ये बड़ा कार्य होने वाला है आत्म साक्षात्कार का। आत्म साक्षात्कार पाना ही जीवन का लक्ष्य, भारतवर्ष में तो यही जीवन का लक्ष्य माना गया कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, उसके अलावा और जीवन का कोई भी अर्थ नहीं माना जाता। यही एक लक्ष्य है, यही एक परम पाने की चीज है। और ये आत्म साक्षात्कार कलयुग में आपने प्राप्त किया है, आपने इसे पाया, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको पाने के बाद अब आपने उसकी महत्ता भी समझी, उसको आप गहराई में भी उतरे और उस गहराई में उतर के आप देख रहे हैं कि इसी से आपको
शांति की प्राप्ति होगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बहुतों की हो भी गई, बहुतों को मिल भी गया है, और भी इसमें सूक्ष्मता आने लगेगी। ये सूक्ष्मता समझने की बात, इस सूक्ष्मता को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किधर अग्रसर हो रहे हैं, किधर आप बढ़ रहे हैं, कौन सी आपकी दशा है। अगर अभी भी आप सूक्ष्म नहीं हो रहे हैं तो सोचना चाहिए कि आप में कुछ कमी है, और उस कमी को ठीक करना चाहिए। इस सूक्ष्मता की बात करते वक्त शास्त्रों से ही इसका बड़ा आधार मिलता है। ये देश अपना जो है ये अत्यंत गहन विचारों से भरा हुआ और अत्यंत महान सत्वों से भरा हुआ है। इसमें जो लिखा गया है वो अद्वितीय है, उसके जैसी कोई चीज़ किसी संसार में लिखी नहीं गई। यहाँ से लेकर के तो और लोग कुछ ज्ञान लेकर चले जाएं, लेकिन इसकी गहराई में आप ही लोग उतर सकते हैं। लेकिन हम जानते ही नहीं कि हमारे देश में कितना महान पवित्र ऐसा वांग्मय हो गया, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिखी गई और उस पर विवरण किया गया, बताया गया कि क्या चीज़ है आत्म साक्षात्कार और उससे आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको बहुत चीज़ें खोल खाल के बता दी, समझा दी, लेकिन उसकी अनुभूति हुए बगैर, उसको महसूस किए बगैर आप किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। उसकी अनुभूति होनी चाहिए, और वो अनुभूति क्या है ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हम पांच तत्वों से बने हों। ये पांच तत्व हमारे अंदर सारी क्रियाएं करते हैं, सब उसी से हमारी घटना हुई, उसी से हम एक मनुष्य जीव बने। सारे जानवरों में हर एक में ये होते हैं, वो विशेष रूप से मनुष्य इंसान में इसका प्रादुर्भाव इस तरह से होता है कि कुंडलिनी जो है वो सिर्फ मनुष्य में ही, मानव में ही स्थित होती है, और वहीं वो कार्यान्वित होती है, क्योंकि अब आप अपने चरम स्थिति में आ गए। इसके बाद आपका जो भी कार्य है वो उत्थान का कार्य, और उस उत्थान के कार्य में अब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, और उसके लिए कुंडलिनी आप सबके अंदर स्थित। अब ये मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बातें हमारे यहाँ बहुत पुरानी लिखी हुई हैं कि हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति, और उसके बाद अनेक लोगों ने इस पर काफ़ी वर्णन किया हुआ है। जैसे 12वीं शताब्दी में मैंने बताया था ज्ञानेश्वर जी ने वर्णन किया, और 16वीं शताब्दी में तो इतने लोग हुए, गुरु नानक जैसे इतने महान कहना चाहिए कि विद्वान, उन्होंने तक कुंडलिनी पर बहुत कुछ लिखा। कबीर ने लिखा, तुकाराम ने लिखा, नामदेव ने लिखा, सब लोगों ने लिखा है कि ये शक्ति हमारे अंदर है, इसे जागृत करना चाहिए। ये बात समझने की है कि ये हमारे ही देश में लोगों ने इतना क्यों लिखा, क्योंकि हम ये जो देश के देशवासी हैं ये कोई तो भी विशेष लोग, ये धर्म में पले हुए लोग, इनके अंदर धार्मिकता है, सदियों से धर्म हमारे अंदर बसा हुआ, और धर्म ऐसा है कि हम समझते हैं या धर्म ये करना गलत बात है। और देशों में मैं देखती हूँ कि वो धर्म अधर्म के अंदर कोई भी अंतर नहीं पाते। अगर कोई अधर्म करना तो सोचते कि ये तो बड़ी भारी हमारे लिए एक चैलेंज, एक आह्वान, उस आह्वान के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर उनको ड्रग लेना है तो कहते हैं कि इसमें डरने कौन सी बात, ये तो हमारे लिए आह्वान है। कुछ भी गलत काम करना है उसको हम कहते हैं कि हमारे लिए आह्वान, और गलत काम करना वहाँ समझा जाता है कि बड़ी भारी उच्चतर स्थिति मनुष्य की है,
जहाँ वो बड़ा भारी ये कहना चाहिए कि योद्धा प्रमाणित होता है। अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी वृत्ति में और इनकी वृत्ति में मूलतः ही फर्क, मूल में ही हम फर्क हैं और मूल में ही हम जानते हैं कि धर्म और अधर्म क्या, वो कोई माने या ना माने, पढ़े हों लिखे हों या देहात में हों शहर में हों, सब भारतीय जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। व्यवस्थित रूप से जानते हैं तो भी अधर्म करते हैं, तो भी अधर्म में फंसते हैं, तो भी ये चीज़ें करते हैं और उसमें सोचते हैं कि हाँ हमने किया लेकिन गलत किया तो क्या करें। पर जो बाहर के लोग हैं उसको गलत नहीं समझते, इतनी उन लोगों की धारणाएं नहीं बनी हुई, मूलतः उनके अंदर ये विचार ही नहीं आया कि कोई चीज़ पाप और पुण्य, पाप और पुण्य की जो कल्पना है वो सिर्फ भारतीयों को मिली हुई। और इसलिए आप लोग एक विशेष रूप के नागरिक हैं जिनके लिए ये उपलब्ध है, ये मिला हुआ है, ये ज्ञान मिला हुआ है कि धर्म छोटी छोटी बातों में भी हम लोग बहुत कुछ जानते जो ये लोग नहीं जानते, इनको मालूमात नहीं, लेकिन इनके खोज में गहराई है। हमारे खोज में गहराई कम, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो ये करते ही आए हैं, ऐसा ऐसा तो हमने किया ही है तो इसमें कौन सी विशेषता, लेकिन इन लोगों ने क्योंकि अंधेरा देखा है इसलिए प्रकाश का महत्व बहुत जानते हैं। वही बात हमारे अंदर मैं सोचती हूँ कुछ कम, और इस वजह से हिंदुस्तानी सहयोग में आकर के गहरे उतरना कठिन समझते हैं, गहरे उतर नहीं पाते। आप सबसे मुझे ये कहना है कि सहयोग में एक बार आपका बीज मानो जैसे प्रस्फुटित हुआ, पर इसे एक विशाल पेड़ बनना है। इस विशाल पेड़ के बनने के लिए ध्यान धारणा आदि करना ही है और सहयोग को फैलाना। आप अगर सहयोग को फैलाएंगे नहीं तो फिर आपका प्रसार नहीं हो सकता, आप बढ़ नहीं सकते, आप अंदर गहरे उतर नहीं सकते। इसलिए सहयोग को फैलाना चाहिए, कम से कम हर आदमी चाहे तो 1000 आदमी को आत्म साक्षात्कार आसानी से दे सकते, पर इस मामले में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, इस मामले में हिचकने की ज़रूरत नहीं और इस मामले में खुले आम बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भारतीय हैं। बार बार मैं कहूँगी कि भारतीयता जो है वो एक विशेष अनुपम हमारे पास वस्तु है, और इसीलिए कहा जाता कि हजारों पुण्य करने के बाद आप भारतवर्ष में जन्म लेते। लेकिन इस धर्म में जो भी धर्म हम मानते हैं, इसको मैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं कहूँगी, पर धर्म माने अच्छाई की ओर जो हमारा रुझान है, हम अच्छाई को पसंद करते हैं, ये जो रुझान हमारे अंदर है वो जो रुझान है उसके कारण ये है कि हमारे देश में अनेक अनेक ऋषि मुनि हो गए और उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ बताया कि जीवन में क्या चीज़ करने से पवित्रता रहती है। पवित्रता के और हमारे अंदर बहुत चिंतन हुआ है, और इस पवित्रता के और कोई ज़बरदस्ती से नहीं, संपूर्ण आपको स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता में ही हम बैक, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली उसी से हमने रास्ते दूसरे ले, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और ये स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व का तंत्र, स्व का तंत्र जानना, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जाना, ये स्वतंत्रता। तो हिंदी भाषा में कहिए आप संस्कृत में, हर एक शब्द उसका अर्थ है, उसके व्याकरण की विशेषता ये है कि उसके जो कुछ भी वर्ण हैं या दूसरे जैसे क ख ग घ वगैरह होता है, ये सब व्यंजन जिसे कहते हैं, ये सब में अर्थ है, एक एक चीज़ में अर्थ है, निरर्थक कोई चीज़ नहीं। एक एक अक्षर आप ले लीजिए
तो उसमें बड़ा भारी व्याकरण भरा हुआ। अब ये सारी बातें बताने का शायद अभी समय ना हो, पर मुझे ये कहना है कि ये पांच तत्वों को बताने वाले अपने अंदर पांच तरह के व्यंजन बने हों, और इसीलिए व्यंजन को वो शक्ति कहते। और जब व्यंजन में शक्ति आ जाती है तो वही व्यंजन का अर्थ निकल आता है। अब छोटी छोटी बातों में हम लोग समझते हैं कि कुछ भी नाम रख दो, लड़के का, लड़की का, कुछ भी नाम रख दो, नाम में क्या रखा है। तो ये इतनी गलत बात है कि नाम में क्या रखा है। नाम भी, लड़के का नाम जो है वो भी सोच के रखना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर में उसमें निहित है, छिपा हुआ है एक बड़ा भारी मर्म, और वो मर्म है कि उसका अर्थ। अर्थ और शब्द दोनों एक साथ रहते हैं, और अर्थ जो है वो शब्द को उसकी सेवा करता है। कोई भी आप शब्द कहिए तो उसके अर्थ में और शब्द में कोई अंतर ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं, पर अर्थ जो है वो शब्द की सेवा करता है, और हरेक चीज़ का अलग अलग शब्द होता है। हरेक वर्णन में, हरेक चीज़ में हमारे यहाँ शब्द अलग अलग होते हैं। ये भाषा की विशेषता ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, और इसलिए इस संस्कृति से जो लोग उत्पन्न हुए हैं, जिस संस्कृति में बड़े हैं और पढ़ रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति है क्या। हम अपनी संस्कृति को जानते भी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता, किसी से पूछा ऐसा क्यों करते, पता नहीं, हमारे बाप दादे करते थे इसलिए हम करते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने कि क्या बात है, हम क्यों इस तरह से धार्मिक हैं। अपने आप ही हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम ऐसे ही करो कि वैसे करो, पर वो धार्मिक। और ये मानव की धार्मिकता कहाँ से आती है, क्यों आती है, उधर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये हम लोगों ने अपने यहाँ ऋषि मुनियों से बात सुनी है। अब अंतर एक के जो लोग परदेसी जिनको हम कहते हैं, जो दूसरे देश के रहने वाले, उनकी विचारधारा और हम लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। और सोचने का, विचारने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इतना अलग है कि आश्चर्य होता है। अगर फॉरेन में आप अगर कोई बात कहें, परदेश में आप कोई अगर बात कहें, तो उसका पड़ताला लेने लग जाएंगे, उसमें साइंटिस्ट लगा देंगे, उसको देखेंगे ये है या नहीं है। लेकिन उससे वो कहाँ तक पहुँच पाते। अपने देश में तरीका और है, वो ये कि अगर कोई बात कही गई है तो उसका पड़ताला बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऋषि मुनि जो बड़े पहुँचे हुए लोग थे उन्होंने कही, उसको स्वीकार्य करना चाहिए। जो जो बात उन्होंने बताई वो स्वीकार्य करना चाहिए, क्योंकि इतने पहुँचे हुए लोगों ने वो बात कही है, किसी ने जो भी बात कही उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा अकलमंद हम नहीं। लेकिन परदेश में सब सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा अकलमंद हैं, वैसे अपने आने के। अब इसका पड़ताला नहीं लेना चाहिए, पर कहा गया है कि अगर आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए और आप संपूर्ण आत्म साक्षात्कारी हो जाए, आप में पूर्णता आ जाए, तब आप देख सकते हैं प्रयोग करके कि जो ऋषि मुनियों ने बात कही थी वो सच है या नहीं। अब सहयोग में आप लोग यही करते हैं, हमने एक बात कह दी, आप मान जाते हैं कि माँ ने यह बात कही, और उसको आप समझ लेते हैं कि माँ की कही हुई ये बात है, इसमें ज़रूर तथ्य है। उसमें आप ये नहीं सोचते कि माँ ने कहा, इसका पड़ताला करो, ये करो, वो करो। फिर आत्म साक्षात्कार के बाद जब आप संपूर्णता में आ जाते, जब आप उस दशा में पहुँच जाते,
तब आप खुद ही इसका पड़ताला कर सकते हैं, जैसे हमने कहा है वो बातें हैं या नहीं। इसीलिए अपने यहाँ गुरु का बड़ा भारी स्थान माना जाता है कि गुरु ने जो बात कही उसको कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। पर आजकल के जैसे गुरु निकल आए वो देखने के बाद में समझ नहीं आता है कि गुरु के लिए क्या कहा जाए। पर उसकी भी पहचान है, गुरुओं की पहचान है कि किसको असली गुरु मानना चाहिए और किसी को नकली। जो आपको अनुभव दे वही असली गुरु, ये नहीं कि पैसा दे और ये डायमंड निकाल के दे, ये गुरु गुरु नहीं हो सकते। ये तो तमाशखोर है, या कहना चाहिए ये अपने दुकानें खोल रखी। गुरु वही है जो आपको अनुभव दे, और जब ये अनुभव आप में प्राप्त होता है तो उसको स्वीकार्य करो, स्वीकार्य करके उसमें बढ़ो, उसमें पूर्णता आप लाओ और फिर उसका पड़ताल आप देख लो। उसके उलट वहाँ पर परदेश में देखा मैंने कि किसी ने अगर कोई बात कही कि ऐसी है तो पहले उसकी सिद्धता दो, पहले उसको साइंटिस्ट को दो। अब वो साइंटिस्ट पार है या नहीं है, उसमें कितनी क्षमता है या नहीं, वो समझ सकता है कि नहीं, इसके लिए वो समर्थ है या नहीं, ये नहीं देखा जाए। किसी ने भी कुछ बात कह दी उसके पीछे लग गए, फिर उसको दोहरा करके दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं, इसमें ऐसा है। तीसरा आदमी कहेगा कि नहीं 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 ये जो है चीज़ इसमें ये गड़बड़ है, ऐसा है वैसा, क्योंकि उस अभी तक आत्म साक्षात्कारी वो लोग नहीं और उनमें वो संपूर्णता नहीं है। तो इस तरह का जब तक आप में एक पूरी तरह से जीवंत अनुभव ना आए, जब तक आप उस अनुभव से पूरी तरह से प्लावित न हो, मतलब नरिश न हो, तो आप अधूरे हैं। और अधूरे होने पर आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सत्य है या झूठ है। ये बुद्धि की जो चक्कर है यही कम करना है। जब हमारे शास्त्रों में ये बात कही है तो वो सत्य ही। अब नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जो बनाया वो सारे रियलाइज सोल्स पहुँचे लोगों की कविताएं ले करके उसे बना। अब उसको पढ़े जा रहे हैं ये भी बेकार बात, उसमें क्या लिखा है वो समझने की कोशिश करो, उससे फिर वो आत्मसात होगा, हमारे अंदर बसेगा और हम उसी के सहारे उठ सकें। तो अब आपसे मैंने दो ही बात बताई, सीधी सीधी बात, कि जो कुछ भी ऋषियों ने और गुरु ने बताया उसको प्रमाण मान लेना, क्योंकि आप अभी तक इतने प्रवीण नहीं हैं, आप इतने पहुँचे नहीं। फिर उसके बाद दूसरी बात कि आप प्रवीण होने का प्रयत्न करें, उधर अग्रसर हों, आप प्रवीण हो जाएं, और प्रवीण होने पर फिर आप पड़ताला इसका लें कि है कि नहीं। ये तो एक हिंदुस्तानी के लिए हुआ, लेकिन मैंने ये देखा है कि परदेसी जो आपके भाई हैं ये तो बड़े जल्दी पार भी होते हैं और ये गहरे उतरते हैं, क्योंकि इनके अंदर गहराई आ गई, हमारे अंदर गहराई नहीं आई। हमारे गुरु ने ये कहा हो गया काम खत्म, ये फलाने कह गए काम खत्म, श्री राम ऐसे थे काम खत्म। अरे भाई उनके नज़दीक तुम कहीं गए कि नहीं, उनको को समझा कि नहीं, उनको अपनाया कि नहीं, उसके अंदर से आपको क्या प्रेरणा मिली? बस भजन गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये बड़े बड़े संत साधुओं ने महाराष्ट्र में खासकर और यहाँ भी ये कहा कि आप भजन गाते रहो। एक उन्होंने वहाँ वारकरी पंथ निकाला, हर जगह पंथ निकले। बेचारों को क्या मालूम था कि ये इंसान इतना बेवकूफ़ है कि उसको कुछ दे दो तो बस यही करते बैठे रहेगा। वो तो संत साधु थे, उनको क्या मालूम कि ये गहरा नहीं उतरेगा, इस पर विचार नहीं करेगा, इस तरफ अग्रसर नहीं होगा, तो बस उसी की चीज़ चल पड़ी। अब जिसने जो कुछ लिखा वही चीज़ चल पड़ी। अब जैसे महाराष्ट्र में मैंने बताया वारकरी पंथ है, तो एक महीना वो लोग जाते हैं पैदल, बदन पर वो फटे कपड़े पहन, पता नहीं क्यों कहाँ ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होगा, वहाँ महीना भर जाते हैं
और वहाँ रहते हैं पूरे समय, वो क्या कहते हैं आप लोग पता नहीं उसको, पर झांझ झांझ बजाते बजाते पहुँचते। अब वहाँ पहुँच करके एक महीना रहते हैं, उसके बाद वो सोचते कि हमने तो भगवान को पा लिया, ऐसे थोड़ी बताया था, उन्होंने तो ये बताया था कि इधर उधर चित्त जाने की जगह तुम परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, उनका नाम स्मरण करो, क्योंकि उससे जो है तुम्हारा चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए उन्होंने जो बात कही थी उसको वहीं तक सीमित रखा। और इसी तरह से हमारे यहाँ के अनेक पंथ निकल चुके हैं पर उससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, और पुश्तन पुश्त वही वही चीज़ चल रही। अब आप सहयोगी हैं, आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, आप विशेष लोग, ये समझ लीजिए। अब इसमें आपको और गहरा उतरना चाहिए, उस गहरे उतरने से आपके अंदर जो सूक्ष्मता जागृत होगी वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। Mm-hmm.